चैलेंजिंग होता है। और ये संत ज्ञानेश्वर के जो गाने हैं वो बच्चे बच्चे के आवाज में उन्होंने जो जो किया है कितना सुंदर है। ओ माँ उसको जिस तरीके से आवाज लगाई है, वो एक छोटा यंग बच्चा ही गा रहा है तो उसको इस तरीके से वो अपने आवाज में ढाल लेती थी। एक बहुत ही सुंदर चैलेंज चैलेंज वो था, और जिसमें हर हीरोइन के मुंह पे ऐसे लगता था जैसे कोई कि वही जिस जिस तरीके से उनकी उनको उन स्क्रीन के सामने उनको खूबसूरत कर दिया जाता था, उसी तरीके से उन्हीं के मुंह से उन्हीं की लिपसिंग से इतनी सुंदर आवाज निकलती हुई दिखती थी। ये उनकी बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात थी। मैं है ही है क्या कहूंगा, मैं उनकी बड़ी बात ही है कि उन्होंने इस तरीके से उन चीजों को ढालती थी, उन एक्ट्रेसेस के चेहरे को या उनकी उनके उस कैरेक्टर को ऐसे ढाल लेती थी कि जैसे उन्हीं की आवाज आ रही है। तो ये बहुत मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन में भी एक और भी इसका एक स्टेप आगे बढ़ के जिस तरीके से किस तरीके से आपको उच्चारण शास्त्र में या पैलेट्स को किस तरीके से, क्योंकि गाना सिर्फ सीमित गले से नहीं है, ए एन टी पूरा का पूरा होता है, एयर नोज एंड थ्रोट जिस तरीके से नासिकाओं का प्रयोग है या थ्रोट का प्रयोग है या थ्रो का प्रयोग है, वो जिसको बहुत अच्छे जैसे जिभ्या दंती तालु मूर्धना ओष्ठी, ये जिभ्या जबान दंती दांतों से किस तरीके से कंट्रोल करना है, तालु मूर्धना मुंह से ओष्ठी होंठ से किस तरीके से नासिका निरनासिकाओं को किस तरीके से प्रयोग में लेके आके फिर उसको उसको किस तरीके से उसके 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 प्रस्तुतिकरण करना है, और प्रस्तुतिकरण करके फिर उस पे ढल के और अपने आप को डाल के फिर प्रस्तुति देनी। तो इसमें बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत आसान नहीं है, और हम सब जानते हैं एक स्पीच देनी भी कितनी मुश्किल है, हम जानते हैं कि गाना भी कितना मुश्किल है एक गाना, और इतने प्रकार की गाना इतनी भाषाओं में इतने सारे लोगों के लिए, हर आदमी हर मुख पे वो लग रहा है कि वो गाना वही गा रहे, तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मतलब ये मतलब एक शब्दों में इसको ढालना इसको शब्दों में कहना एक आसान बात आसान है मेरे लिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ढाला वो उन्होंने बिल्कुल काबिले तारीफ बात है, काबिले कदर बात है, काबिले एहतराम बात है। जी, और जिस तरह से उन्होंने काम भी किया वसीफुद्दीन जी, क्योंकि 1974 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाले के तौर पर उनका नाम आ गया था। हालांकि अब ये रिकॉर्ड किसी और के नाम है, लेकिन 1974 में ही ये रिकॉर्ड उनके नाम दे दिया गया था। तो ये भी दिखाता है कि ना केवल वो समर्पित भाव से काम कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर काम कर रही थी। जी बहुत 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 बेहतर थी। भारत की एक बहुत ही उल्लेखनीय सुपुत्री थी, और भारतीय एक उनमें कण कण में उनमें भारतीय भरा हुआ था, और भारत को जितनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकती थी, उसकी प्रस्तुतिकरण कर सकती थी, कैसे उसके प्रतिनिधि मतलब उसको किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकती थी, उन्होंने भारत को उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया। माँ सरस्वती की जिस तरीके से परस्तिश हो सकती थी या उनकी किस तरीके से आराधना हो सकती थी, उन्होंने उसको भरपूर अच्छी तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, और हर बात हर जगह पे उन्होंने अपनी एक निशानी छोड़ी कि वो भारतीय थी, एक संपूर्ण भारतीय थी जिनको अपने भारत से पूरा लगाव था। इसी तरीके से उन्होंने उस स्वरों को लगाया और बहुत ही अच्छी तरीके से हर भारतीय को, न सिर्फ भारतीय को, दुनिया में जो भी हमारे भारतीय संगीत को पसंद करने वाला है और जो नहीं पसंद करने वाले तो उनको भी पसंदीदा बना दिया उन्होंने अपनी आवाज से। तो उन्होंने उनका एक बहुत ही जबरदस्त उनका एक काम उन्होंने किया, और एक उल्लेखनीय काम है, और बहुत मुश्किल है एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ करना, और उन्होंने 74 में ये कर दिया था। और उस किस उम्र से किस उम्र तक आ गई और वहीं पे रही, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत बड़ा बड़ी बात जो उनके व्यक्तित्व में नज़र आई वसीफुद्दीन जी, वो ये भी कि वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेना। मतलब हर जी दौर के संगीत निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया और बेहतरीन काम जी किया, लेकिन वक्त के साथ ढालने को मैं जोड़ना चाहती हूँ सोशल मीडिया से, क्योंकि अभी वो कुछ साल पहले ही ट्विटर पर भी सक्रिय हो गई, इंस्टाग्राम पर भी उनका अकाउंट खोला गया। मतलब अपने चाहने वालों से वो ट्विटर के जरिए लगातार जुड़ी रहीं।
जी बिल्कुल भाई, वो एक्टिव थी, वो एक्टिव हमेशा से एक्टिव थी और एक्टिव रही। और वो चाहे मैं फिर नाम ले रहा हूँ, नौशाद साहब थे या ए आर रहमान जी के लिए भी उन्होंने उसी तरीके से गाना, उन्होंने वैसे ही गाया है, या और भी कोई, मुझे अभी कुछ मालूम नहीं, नाम नहीं आ रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जिनके लिए उन्होंने वो किया। तो वो हमेशा से एक्टिव रही, अलर्ट रही। और ये देख लीजिए कि संगीत संगीत में इतनी वो लीन थी, उनका दिमाग आज तक मेरे ख्याल से परसों तक भी अलर्ट ही था। और मेरे ख्याल से क्रिकेट की वो इतनी बड़ी वो थी चाहने वाली, अगर उन लोग उनके कान में कोई बोल देता कि अंडर 19 जो है इंडिया जीत गई है, तो मेरे ख्याल से हमको कुछ और दिन मिल जाते उनके साथ। सही कहा आपने कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर कि अंडर 19 विश्व कप हमने जीता है, और जाहिर है कि लता दी को अगर ये खबर पता चलती तो उन्हें भी बहुत बहुत खुशी होती। क्रिकेट वो बहुत पसंद करती थी। सचिन तेंदुलकर का ट्वीट भी हमने अभी सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने भी ट्वीट के जरिए अपने एहसास साझा किए। इस वक्त हमारे साथ पंडित विश्व मोहन भट्ट जी भी जुड़ गए हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, आप किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लता जी को? मैं तो ये कहूंगा कि स्वर कोकिला और एक सरस्वती की साक्षात अवतार, अभी आज ही सरस्वती विसर्जन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि सरस्वती देवी ने अपने जन्म दिवस पर उनको बुलाए लिया अपने पास में। क्या दिन चुना है, क्योंकि वो लता मंगेशकर एक ऐसी साक्षात सरस्वती थी जिनके दर्शन मैंने भी किए एक बार। मुझे सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ मैं कि एक बार उन्होंने अपना एक वो खोला था म्यूजिक कंपनी LM म्यूजिक, लता मंगेशकर म्यूजिक, उसके लॉन्चिंग पे मेरा प्रोग्राम रखा गया था। और मैंने जब उनको साष्टांग प्रणाम किया तो वो बोली कि अरे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। मैंने कहा कि आप हमारे लिए माँ सरस्वती साक्षात हैं, और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई उस समय। मेरे सर पे आशीर्वाद रखा, हाथ रखा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमारे सब 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 हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जो संगीत को प्यार करते हैं, संगीत को समझते हैं, उनके लिए तो ये ऐसा अपूर्णीय क्षति आज हुई है। हालांकि उनकी उम्र काफी हो गई थी और वो अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा युग खत्म हो गया संगीत का, एंड ऑफ एन एरा, मेरा यही कहना है। जी, एक दौर का समापन भारतीय संगीत में। आपने बताया कि जब आपकी लता जी से मुलाकात हुई LM म्यूजिक के लिए आपने कार्यक्रम में शिरकत की, क्या उनके व्यक्तित्व की विनम्रता ने भी आपको प्रभावित किया? बहुत बहुत विनम्रता उनमें थी, नम्र भाव था, कोमल भाव। देखिए जो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है वो उसमें अपने आप ही कोमल भाव आते हैं। दूसरों को प्यार करना, दूसरों को आशीर्वाद देना, दूसरों को बढ़ावा देना, नए आने वालों को एनकरेज करना। मुझे याद है एक गायिका ने वो एक सिंफनी को गाया था जिसमें उन्होंने स्वर गाए थे, मतलब स्वर लिपि गाई थी, और उसको ट्वीट किया लता जी ने कि देखिए इस लड़की का कमाल, देखिए इसने क्या कमाल के स्वर गाए हैं। पूरी सिंफोनी को उन्होंने स्वरलिपि में गाया था। तो ये मतलब ये प्रूव करता है कि वो लोग, लता जी ने नए आने वालों को भी कितना आशीर्वाद दिया कि अपने ट्वीट पे उसको ट्वीट किया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इतना कहूंगा कि लग जाए गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, रहे न रहे हम महका कराएंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे। लता जी रहे चाहे न रहे, उनकी आवाज अमर है, हमारे बीच में हमेशा रहेगी, सैकड़ों साल तक ये आवाज गूंजती रहेगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हमारे साथ अपने एहसास साझा करने के लिए। लता दी जो हमेशा हमारे बीच रहेंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिनके जीवन को उन्होंने अपने गीतों के भाव के ज़रिए, संवेदनाओं के ज़रिए छुआ ना हो। और यही कारण है कि आज जब शिवाजी पार्क उनके अंत्येष्टि के लिए तैयार है और जब प्रभु कुंज से उनका पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क लाया जा रहा है, तो हर कोई उनके इस अंतिम सफ़र का साक्षी बन रहा है। किसी को शायद विश्वास ही नहीं हो रहा कि लता जी आज हमारे बीच नहीं हैं। लता मंगेशकर जी, जिन्हें स्वर कोकिला सुर साम्राज्ञी कहा जाता है, लता मंगेशकर जी जो भारत रत्न से सम्मानित थी, जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थी, और यहाँ शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी का हंसता हुआ चेहरा, जहाँ उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। Nor wind, birth, nor death can erase our good deeds, Lord Buddha had said. The work done by Lataji can never be erased. It can only be remembered. It can only inspire us for as long as we live. She was a beacon. She was the milestone for musicians, for the world of music. She was the one person everybody looked up to. This body passes away, but does it? No, it doesn't. It just goes away to the five elements from where it came from. It came from this earth. It'll go back to this earth with all the five elements embracing that life it gave once again. The daughter of this earth will be back to the earth and merge with the five elements, with the space. She will be one of the stars. When we look up on the sky, we will see her. When the wind blows, we can feel her. When we walk, she will be there. She will be there with every moment of us. She will never go away. आप देख रहे हैं हमारे सम्मुख गणमान्य अतिथिगण बैठे हुए हैं, अनुराधा पौडवाल जी विशिष्ट अतिथिगण। सब राह देख रहे हैं कि कब हमारे बीच में हमारी दीदी आएंगी और हम उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। A continuous flow of the family members, the dignitaries, and all the people who loved her is flowing to the grounds of Shivaji Park. Everybody has that lost expression on their face. So difficult to come to terms with the fact that the one person we looked up to is no longer with us. The faces of everybody says it all.
आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क मुंबई महाराष्ट्र का। हम सभी यहाँ एकत्रित हैं अपनी भारत रत्न लता मंगेशकर जी को पंचतत्व में विलीन होने की बेला पर श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरा राष्ट्र शोकाकुल है, पूरा राष्ट्र क्या मैं तो कह सकती हूँ पूरा विश्व, क्योंकि दीदी ने अपने स्वरों से सबको वसुधैव कुटुंबकम के भाव में पिरोया था। संगीत के स्वरों का कोई सरहद नहीं होता। दीदी की आवाज़ क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, ईश्वर जाने अनजाने में कई बार हमसे अद्वितीय काम करवा ले जाते हैं जो हमें ले जाता है अमरत्व की तरफ। लता दीदी ने ऐसे अनेकों अनेक गीत गाए हैं देश के लिए जिसने उन्हें अमरत्वता की ओर अग्रसर किया है। यही कारण है कि हम उनके संगीत के इस अद्वितीय योगदान को कभी नहीं भुला पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी दीदी के स्वर से अछूती नहीं रहेगी। लता जी वॉज बोर्न ऑन 28th ऑफ सितंबर 1929 in Indore. She was the eldest of the five siblings. Her father was the legendary Pandit Dinanath Mangeshkar, her mother Shevanti Mangeshkar. Her earlier training in music was from her father, who was a noted Marathi stage personality. Ironically, Panditji never wanted his daughter to follow his footsteps, but Lataji and destiny had other plans. Lataji learned music by just listening to her father. And हैं शिवाजी पार्क, जहां सुरक्षा का पूरा इंतजाम, पूरा बंदोबस्त रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है ताकि लता मंगेशकर जी का अंत्येष्टि का कार्यक्रम यहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा सके। लता मंगेशकर जी जो एक ऐसी सुर साधक थीं जिन्होंने न केवल कला प्रेमियों और सुर प्रेमियों के जीवन को प्रेरणा दी, उन्हें प्रभावित किया, बल्कि हर आम जन आमो खास के जीवन को उन्होंने अपने सुरों से छुआ। एक प्रेरणा स्रोत, एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, एक सरल भाव, विनम्र शख्सियत जिनसे हर कोई प्रभावित रहता था। अपनी कला को लेकर वो इतनी समर्पित थी कि बचपन से जब उन्होंने कला का सफ़र शुरू किया तब से लेकर आखिरी सांस तक वो अपनी कला को समर्पित रहीं। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपने गायकी के जरिए न केवल फिल्मों को अहम आयाम दिलाए, संगीत निर्देशकों के साथ काम करते हुए अपना एक अहम मुकाम हासिल किया, बल्कि इस सफ़र में वो जाने कितने ही उदाहरण अपने गीतों के जरिए सामने रखती चली गईं जो आज हम सब के जीवन को सजा रही हैं। क्या बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े, हर आयु वर्ग उनके सुन गाय गीतों को ही सुनकर बड़ा हुआ है। ऐसे गीत जो हमारे जीवन के हर भाव से जुड़ जाते हैं, ऐसे गीत जो हर उत्सव से जुड़ जाते हैं, ऐसे गीत जो
बहुत बार हमें हमारे जीवन में मानो हमारा हाथ थाम लेते हैं। ऐसे गीत जो हमारे मन के भावों को रेखांकित करते हैं अपने शब्दों और सुरों से, ऐसे गीत जो हमारे जीवन को तो सजाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा संगीतमय माहौल तैयार कर जाते हैं जो विश्व भर में लोग उसे अपना जाते हैं। ऐसे सुर साम्राज्ञी जिन्हें स्वर कोकिला इसलिए कहा गया कि उनके गाए गीत में कमी निकालना असंभव था। अपने कला साधना के साथ, अपने सुर समर्पण के साथ साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व के जरिए भी बहुत से लोगों को दिशा दिखाई। युवा कलाकारों को वो हमेशा अपने प्रेरणादायी शब्दों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती थी। हर जन उनके गीतों से अपने जीवन को सजाता रहा और यही कारण है कि आज जब शिवाजी पार्क को जा रहा उनका पार्थिव शरीर, उनके इस अंतिम सफ़र में लोग उनके साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। प्रभु कुंज उनके निवास स्थान से शिवाजी पार्क तक का उनके अंतिम सफ़र में हर वर्ग का लोग, हर कोई शामिल हो रहा है, हर कोई साक्षी बन रहा है उनके इस अंतिम सफ़र का। इतनी बड़ी कलाकार, इतनी सफलतम कलाकार होने के बावजूद उनको घमंड ने छुआ तक नहीं था। अत्यंत विनम्र कलाकार जो ये मानती थी कि वो किसी की गुरु क्या बनेंगी, क्योंकि उन्हें तो अभी भी गुरु की तलाश है। एक ऐसी कलाकार जो अपने गीत नहीं सुनती थी ये सोचकर कि उसमें मुझे बहुत सी कमियां नजर आएंगी। एक ऐसी कलाकार जो आज सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर गई हैं। दिल को ये कहते हुए भी मलाल हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे बीच हमेशा रहेंगी। लता दीदी या लता बाई या लता बेन, किन्हीं भी नाम से उन्हें पुकार लें, लेकिन हम सबकी प्रिय गायिका रही हैं लता मंगेशकर जी, और अपने गाय गीतों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में राज करती रहेंगी। लता दी जो हालांकि एक एक्टर के तौर पे उनका सफ़र शुरू हुआ था बहुत छोटी उम्र से, मात्र 5-6 साल की थी जब उन्होंने एक्टिंग थिएटर में एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनका जीवन लक्ष्य तो गायकी से जुड़ा था, और इसीलिए जब एक बार उन्होंने गायकी का दामन थामा तो सुरों की देवी सरस्वती ने भी अपना आशीर्वाद उनके सर पर रखा। 1942 में जब उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया वो एक मराठी फिल्म के लिए था, हालांकि वो गीत बाद में फिल्म से हटा दिया गया, लेकिन 1942 में उन्होंने जो संगीत का सफ़र शुरू किया वो हर दौर में और ज़्यादा आगे बढ़ता गया, नए आयाम छूता गया। 1949 में फिल्म महल में जब उनका गाना आया तो उस गाने ने उन्हें शोहरत की नई ऊंचाइयां दिलाई। आएगा आने वाला आएगा, ये गीत ऐसा गीत था जिसने संगीत के दौर के युग में ही एक नए दौर का इन मायनों में शुरुआत कर दी कि जहाँ पहले गीत एक्टर्स के नाम से पहचाने जाते थे, वहाँ इस गीत ने गायकों को भी एक अलग मंच प्रदान किया। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो में फ़ोन कॉल्स आने लगे ये जानने के लिए कि मधुबाला ने इस गाने पर एक्टिंग तो की है लेकिन इस गीत को गाया किसने है। और बस वहाँ से लेकर उसके बाद लता जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा, और उनके कला समर्पण के कारण जहाँ पहले भारी आवाज़ को फिल्मों में माना जाता था अच्छा, वहीं उनके आने के बाद और उनके सुर साधना के आगे सबने घुटने टेक दिए, और उसके बाद उनकी आवाज़ ने एक छत्र भारतीय सिनेमा में राज किया। लता मंगेशकर जी जिन्होंने हर तरह के गीत गाए और हर तरह के गीत में मानो एक अलग जान डाल दी, चाहे वो 16 साल की लड़की का कैरेक्टर हो या फिर एक वृद्धा का, उन्होंने हर रोल में यूं जान फूकी कि उनके सुर हर एक के दिल को छू गए। लता मंगेशकर जी जिन्हें आज पूरा देश विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है, जहां शिवाजी पार्क में तैयारियां पूरी हैं उनकी अंत्येष्टि के लिए, और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत जिन्हें भारत रत्न का भी सम्मान मिला, ऐसी शख्सियत जिन्हें दादा साहेब फाल्के के सम्मान से भी नवाजा गया, ऐसी शख्सियत जिन्हें पुरस्कार भी जिनके आगे छोटे पड़ गए,
और ऐसी शख्सियत को अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दोपहर को दिल्ली से रवाना हुए और वो मुंबई पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो लता दीदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लता मंगेशकर जी को वो देंगे अपने विनम्र श्रद्धांजलि, अपनी बहन को देंगे वो विनम्र श्रद्धांजलि, क्योंकि लता दीदी उन्हें अपना भाई मानती थीं। लता दीदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरा नाता था। ट्विटर के जरिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार लता दी से मिलने भी पहुंचे, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ट्वीट संदेशों के जरिए लता दी हमेशा उनके संपर्क में रहीं और हमेशा अपनी भावनाएं भी उनसे साझा करती रहीं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के अपने सारे कार्यक्रम का को रोक कर पहुँचे हैं मुंबई लता दीदी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लता दीदी के अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी अंत्येष्टि में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। शिवाजी पार्क में लता जी का अंतिम संस्कार, जिसके लिए तैयारियां पूरी हैं, और लता दीदी के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुँच गए हैं। लता दीदी जिन्हें आज पूरा देश और विश्व के कोने कोने में फैले उनके सुर प्रेमी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उनके इस अंतिम सफ़र में हर कोई मानो इस सफ़र में उनका साथी बनना चाहता है। ये ऐसा सफ़र है जिसको जो हमें ये याद तो दिला रहा है कि लता जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके गीत हमेशा हमारे बीच उनके सुरों को जीवित रखेंगे। लता दी जैसी महान शख्सियत, एक महान कलाकार, एक महान सुर साधक, एक महान कलाकार जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं मुंबई। प्रधानमंत्री मुंबई पहुंच चुके हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क से, लता जी का हंसता चेहरा जो हमें याद दिला रहा है कि किस तरीके से अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन को सजाती रही हैं लता दी, जो आज हालांकि देह उनके के रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने सुरों के जरिए हमेशा हमारे जीवन को अपने गीतों के जरिए यूं ही सजाती रहेंगी। इससे पहले हमने देखा प्रभु कुंज से फूलों से सजी इसी वाहन में तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, जिसे प्रभु कुंज से सैन्य सम्मान के साथ रवाना किया गया और शिवाजी पार्क पहुँच रहा है। उनका अंतिम सफ़र यहीं सम्पूर्ण होगा और शिवाजी पार्क पहुंचने पर उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरे राज के सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी शख्सियतें जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया होता है, उन्हें राज के सम्मान का भी सम्मान मिलता है। रक्षा मंत्रालय पूरी जिम्मेदारी निभाता है इस राज के सम्मान की, और राज के सम्मान के साथ लता दीदी को भी तिरंगे में लपेट कर लाया जा रहा है शिवाजी पार्क, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहते हैं कला की कोई सीमा नहीं होती, लता दी के भी सुरों की कभी कोई सीमा नहीं रही। हर आयु वर्ग उनके गीतों से, उनके सुरों से अपने आप को जोड़ता चला गया। भौगोलिक सीमाओं के दायरे को पार कर उनकी आवाज विश्व के कोने कोने तक पहुंची। यही कारण है कि आज उनके जाने पर देश ही नहीं विदेशों से भी उन्हें श्रद्धांजलि संदेश मिल रहे हैं। हर कोई अपने शब्दों से, अपने माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। लता दी वक्त के साथ हर तरह के परिवर्तन से भी अपने आप को जोड़ती रहीं, ना केवल गायकी बल्कि जीवन में भी, और यही कारण है कि वो सोशल मीडिया पर भी पिछले कुछ सालों में सक्रिय दिखीं। चाहे ट्विटर हो, जहां वो ट्वीट्स के माध्यम से अपनी बात रखती रहीं और अपने सुर प्रेमियों के साथ जुड़ी रहीं, तो वहीं इंस्टा पर भी वो एक्टिव रहीं। लता दीदी जो हर आयु वर्ग के लिए दीदी रहीं, हर कोई उन्हें लता दीदी इसी नाम की आत्मीयता के साथ मानो अपना गहरा नाता उनके साथ महसूस करता रहा हो, और यही कारण है कि इस वक्त आप देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में लोग खड़े हैं उनके इस अंतिम सफर का साक्षी बनने के लिए। एक ऐसी महान कलाकार जिन्होंने हर कला प्रेमी के जीवन को छुआ,
एक ऐसी महान कलाकार जो अपने व्यक्तित्व के जरिए, अपनी कला के जरिए सबके सामने छोड़ गई हैं, एक ऐसा अनुपम उदाहरण जो आने वाले लंबे वक्त तक हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। लता जी के पार्थिव शरीर के साथ सेना का वाहन जो आप देख सकते हैं, लता जी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर जो मानो ये कह रही है कि मैं हूँ आप सबके साथ और हमेशा रहूँगी। आज पूरा देश खड़ा है लता दीदी के साथ उनके इस अंतिम सफर में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भारी तादाद में लोग लता जी के इस अंतिम सफर में शामिल हो रहे हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों के जरिए। अगर सोशल मीडिया पर आप संदेशों को पढ़ें तो महसूस होता है कि किस तरह, कितनी गहराई से लोग लता दीदी के जाने को एक बड़ी कमी के तौर पर अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। लता दीदी, जिनके जैसा कलाकार ना कभी था और शायद लंबे वक्त तक आगे भी नहीं होगा, एक ऐसा कलाकार जिन्होंने युवा कलाकारों को भी हमेशा प्रेरित किया, एक ऐसा कलाकार जो ये कहती थी कि बहुत, मेरे से भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे गायक हैं, एक ऐसी कलाकार जिन्हें लोग सर माथे पर रखते थे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को एक छोटा कलाकार मानती थी, लेकिन उनकी गायकी, उनके सुर साधना, उनके कला समर्पण आज सबके सामने एक नज़ीर है। एक ऐसी कलाकार जिनका कोई सानी ही नहीं दिखता, एक ऐसी कलाकार जो एक विनम्र शख्सियत का भी उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करती रही हैं, जिनका हर एक गीत मानो सबके दिल में उतर जाता है। अगर आज किसी से पूछें कि लता दी का सबसे पसंदीदा गीत आपके लिए कौन सा है, तो चुनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लता दीदी के गीतों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि जब आप अपने पसंदीदा नगमों की फहरिस्त बनाएं तो आप पाते हैं कि एक के बाद एक नगमे लता दी के गाए हुए हैं। यही कारण है कि 1974 में वो वक्त भी आया जब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट बनी, यानी एक ऐसी गायिका जिन्हें सबसे ज्यादा गीतों के लिए रिकॉर्ड किया गया हो। और इस सफलता के पीछे भी रहा है बड़ा संघर्ष, कला के प्रति लगन और समर्पण एक बात, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। एक ऐसी विनम्र शख्सियत जिन्होंने जीवन की मुश्किलों से कभी हार नहीं मानी, भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया, पहले एक्टिंग तक की और उसके बाद गायकी का सफर शुरू हुआ। और यही कारण है कि उनके जीवन का उदाहरण आज सबके सामने है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं मुंबई लता मंगेशकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कुछ ही देर में लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। शिवाजी पार्क में लता दीदी के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी, पुजारी और परिवार के साथी लोग सभी उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों को पूरा करते हुए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, पूरा बंदोबस्त किया गया है पुलिस के द्वारा, और सेना पूरे राज के सम्मान के साथ उनके अंत्येष्टि के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और चूंकि उन्हें राज के सम्मान दिया जा रहा है, दो दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो चुकी है, 21 तोपों की सलामी भी उन्हें दी जाएगी। और राज के सम्मान मिलता है उन शख्सियतों को जो देश के प्रति उनका योगदान अतुलनीय होता है, ऐसी शख्सियतों को मिलता है राज के सम्मान। लता मंगेशकर जी एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिनके आगे पुरस्कार भी मानो छोटे पड़ गए, और इसीलिए एक वक्त आया जब लता दी ने ये भी कह दिया कि अब आप हमें, मुझे पुरस्कार देना बंद कर दें। और यही कारण है कि
उनके पुरस्कारों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि उन्हें गिनना मुश्किल है, लेकिन वो एक ऐसी कलाकार हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला, जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का भी सम्मान मिला, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण तो पहले ही मिल चुके थे, जिनके आगे पुरस्कार भी मानो गौण हो गए। और अपनी लता दीदी को ही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं मुंबई। हर बार लता दीदी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें शुभकामना संदेश जरूर भेजते थे। लता दीदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा रिश्ता सब जानते हैं। लता दीदी भी कई बार अपने ही शब्दों में प्रधानमंत्री के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी को अपना भाई मानती थी लता दी। गुजरात से भी लता दीदी का नाता रहा है, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी विराट शख्सियत रही है कि गुजरात से नाता एक ऐसा पहलू रहा है जिससे लोग जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि लता दीदी तो पूरे देश की दीदी थी। लता दीदी तो हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर आयु की दीदी थी। लता दीदी तो विश्व भर में ही लता दीदी के नाम से जानी जाती थी। लता दीदी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक ऐसा नाम लता मंगेशकर जिससे कोई भी अपरिचित नहीं है, एक ऐसा नाम लता मंगेशकर जो अपने आप में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता रहा। चाहे बात कला की करें या उनके व्यक्तित्व की करें, उनके गाए गीतों की करें या फिर उनकी बातों की करें, हर तरह से एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती रही हैं लता मंगेशकर जी। प्रभु कुंज से तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर जो अब से जल्द कुछ ही देर में पहुंच जाएगा शिवाजी पार्क। उनका गाया गीत मेरी आवाज ही पहचान है जिसे आज हर कोई याद कर रहा है। अपने पिता की शागिर्द बनकर उन्होंने सुरों को साधने का काम शुरू किया। अपनी कला साधना की शुरुआत उन्होंने अपने पिताजी के साथ ही शुरू की और वहां से जो सुरों का सफर शुरू हुआ वो लगातार नित नई ऊंचाइयां छूता चला गया। हर उम्र के संगीत निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन के साथ अगर काम किया तो वहीं आज के दौर के एआर रहमान के साथ भी उन्होंने काम किया। आरडी बर्मन के साथ काम किया तो उनके पिता के लिए भी उनके मन में बेहद सम्मान था। किस तरह के गीत मैं गाऊंगी, किस तरह के भाव उसमें दिखाऊंगी, इसको लेकर लता जी हमेशा ध्यान रखती रहीं और यही कारण है कि उनके गीतों में एक अलग झलक नजर आती है। कहते हैं जितना ईमान अच्छा उतना स्वर सच्चा, और ये नजर आया लता मंगेशकर जी में। उनके सुर इतने सच्चे थे जो उनके सच्चे ईमान को भी दर्शाते हैं। बॉर्डर वाली सफेद साड़ी यही थी उनकी पहचान, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व। कभी अपने जीवन में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। एक ऐसी कलाकार जो हर वक्त कलाकारों को प्रोत्साहित करती रही, चाहे वो एक युवा संगीत निर्देशक हो, हर एक के सामने जब उन्होंने गाना शुरू किया तो यही एहसास दिलाया कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही संगीत निर्देशक सर्वश्रेष्ठ है। और यही कारण है कि उनकी गायकी में भी ये सच्चाई हमेशा दिखती रही। उन्होंने अपना पहला गीत 1942 में रिकॉर्ड किया तो आखिरी गीत 2019 में जाकर रिकॉर्ड किया। 40,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं लता मंगेशकर जी। एक ऐसी गायिका
जिनके पार्श्व गायन के आगे कोई सानी ही नहीं है, एक ऐसी गायिका जो पर्दे के पीछे से कितनी ही एक्ट्रेसेस की आवाज़ बनी, एक ऐसी गायिका जो अपने सुरों के जरिए कैरेक्टर में जान डाल देती थी, एक ऐसी गायिका जिनकी गायकी के कारण ही कितनी फिल्में हिट हुई, कितने फिल्मकारों को फ़ायदा हुआ, एक ऐसी गायिका जिनकी गायकी के कारण संगीत निर्देशकों को भी नए सुर नए आयाम प्राप्त हुए, एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपनी कला साधना का जादू दुनिया भर में बिखेरा। वो ऐसी पहली भारतीय गायिका हैं जिन्हें लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाने का सम्मान मिला, एक ऐसी गायिका जिन्हें फ्रांस ने भी लेजियों डोनर के सम्मान के साथ साल 2007 में सम्मानित किया, और ऐसी विरली ही शख्सियतें होती हैं जिनको देखकर ये कहा जाए कि इनके लिए तो विश्व में कोई पुरस्कार शायद बना ही नहीं है, क्योंकि ये उन पुरस्कारों से बहुत ऊपर हैं। अपनी कला साधना के ज़रिए लता मंगेशकर जी ने भी ऐसी ही ऊंचाई हासिल की, और ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर लेकर फूलों से सजा ये सेना का वाहन पहुँच चुका है शिवाजी पार्क, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां वो लता दीदी की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारी संख्या में लोग लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े हुए हैं, सड़क के दोनों ओर अपने घरों की छतों तक लोग बाहर नजर आ रहे हैं, और पूरे रास्ते में प्रभु कुंज से लेकर शिवाजी पार्क तक के पूरे रास्ते में दोनों ओर सड़क के दोनों ओर लोग भारी तादाद में उमड़ रहे थे अपनी प्रिय लता दीदी को अपने स्नेहार्पण के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, अपने शब्दों के जरिए अपनी पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए। लता दीदी के परिवार के लोग जो लता दीदी के इस अंतिम सफर में उनके साथ सेना के इस वाहन में शामिल होकर आए थे, ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क से, जहां लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा राज के सम्मान के साथ। लता दीदी को आज देश कर रहा है अलविदा। लता दीदी के जाने के संदेश से सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई। लता मंगेशकर जी का ही जाना यही आज कितने बिखर चुके हैं आप देख के समझ सकते हैं। आशा दीदी को लोग सहारा दे रहे हैं। दीदी, लता जी काफी दिनों तक जूझती रहीं, वो बड़ी जुझारू रही, फिर भी ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, समय हमसे छीन कर ले गया। परिवार के लोगों के लिए अत्यंत दुखद की घड़ी है। She was the heart and soul of not only her family but all of us, and I'm sure that God will surely give her everlasting peace and highest station in heaven by his side. She will be with him soon. Rashtriya dhwaj mein lipta didi ka parthiv sharir, स्थल पर पहुंच चुका है। आप सभी देख सकते हैं
अपने घर में पंचभूत में विलीन होने के लिए पंच तत्व से बनाए शरीर। Neither fire nor wind, birth or death can erase our good deeds. Lord Buddha said, the deeds done by Didi can never be erased. We can never ever forget. Hridayanath Mangeshkar ji, मंगेशकर परिवार के लोग, देखिए सेना के जवान लता जी, आप सदैव अमर रहेंगी। आप जैसी विभूतियां न भूतो न भविष्यति, आप कभी नहीं जाएंगी हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से, सदैव रहेंगी। आपका शरीर विदा हो रहा है हमसे, आत्मा जो अजर है, अमर है, देखिए दीदी आ रही हैं। भारत रत्न स्वर कोकिला गान सरस्वती, जीवित साक्षात सरस्वती लता मंगेशकर जी हमारी सेना के जवान उन्हें लेकर आ रहे हैं पंचभूत में विलीन होने के लिए। दीदी सो रही हैं ऐसा प्रतीत पड़ता है। शांति से भरा भाव चेहरे पर। Didi was the living Ma Saraswati. Her demeanor was like that. Plain white saris that she chose to wear. सेना के जवान उन्हें सलामी देते हुए पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी देखिए कुछ भावपूर्ण बेला। इस पैंडेमिक में लोग अपने भाव को रोक नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रो रहे हैं क्योंकि अब हमारी दीदी हमारे सामने से पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, रह जाएंगी। देखिए एक दूसरे को सांत्वना देते हुए लोग रह जाएंगी, उनसे जुड़ी यादें बातें कहने को। देख सकते हैं आप, वन ऑफ द थिंग्स मंगेशकर परिवार के लोग आप देख सकते हैं हमारे सामने। देखिए नमन दीदी, आप सदैव अमर रहेंगी। मंगेशकर परिवार के लोग, बहुएं,
हमारे सामने आप देख सकते हैं अनुपम खेर साहब खड़े हैं। Hundreds of people are standing outside on the road. Maharashtra ke governor sahab Bhagat Singh Koshyari sahab Sachin Tendulkar sahab jo unhein maa kehte the और दीदी उन्हें बेटा मानती थी, आशुतोष गवारीकर जी। पद्मनी कोल्हापुरे श्रद्धा कपूर हु आर ऑल अ पार्ट ऑफ हर फैमिली वॉकिंग इन नॉट बिलीविंग व्हाट हैज हैपेंड ऑन द रोड्स आउटसाइड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव गैदर्ड पीपल हु कांट कम इनसाइड बट वांट टू बी हियर वांट टू बी इन द सेम प्लेस इन द सेम स्पेस एज देयर बिलव्ड दीदी इज It looks as if she's just gone to sleep. Sharad Pawar sahab, Piyush Goyal ji, Rashmi ji, Raj Thackeray sahab aa rahe hain. Aap dekh rahe hain, sabhi ki aankhein nam hai. Sabke man mein ek पीड़ा है। अजीत पवार साहब हमारे बीच आप देख रहे हैं। सुप्रिया सुले जी, छगन भुजबल साहब भारत रत्न को भरे हुए मन से। दिलीप वलसे पाटिल जी आप देख रहे हैं। गृह मंत्री साहब, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉचिंग दिस ऑन द टीवी They can't come to terms with the fact that Didi is no more with us. Everybody wanted to be here. Everybody wanted to pay their last respects to her so that they could finally realize and get over the shock. Because it's such a difficult thing to believe that she is No longer with us. This is the last we see of this mortal body. Allah Tere Naam, Ishwar Tere Naam, Allah Tere Naam.
Thank you.